Assalamualaikum everyone, welcome to Anika's World. I hope you all are good. तो आज की वीडियो है ईसा की ईटिंग रूटीन के बारे में. ईसा की एज है 11 मंथ्स. इससे पहले मैंने आपके साथ अपने बेबीज की ईटिंग रूटीन भी शेयर कर दी है, दोनों बेबीज की. और उसके अलावा मैंने वेट गेन रूटीन भी शेयर की है और फिर स्लीपिंग रूटीन भी शेयर कर दी है, जिसमें मैंने सारी स्लीपिंग स्ट्रेटेजीज बताई थी. जिनके बेबीज सोने में तंग करते हैं या जल्दी उठ जाते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज मैंने उस वीडियो में दिखाई थी, वहां से आप देख सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अब मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईसा की फुल डे रूटीन शेयर कर दें, तो चलें जी आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो भी बना देते हैं. तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर किया करें, जिनके भी बेबीज हैं उनके साथ जरूर वीडियोज को शेयर किया करें. तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जी ईसा 6 o'clock उठता है, 6 AM. 6 o'clock कभी उठ जाता है, कभी 5 o'clock उठ जाता है सुबह सुबह अजानों के बाद. तो उस टाइम पे मैं उसको एक पूरा का पूरा फीडर बना के देती हूँ. 9 ounce का मेरा फीडर होता है जो मैं बेबीज के लिए मैंने लिए हुए हैं. 9 ounce के हैं, टॉमी टिपी के फीडर हैं. जो मदर्स कहती हैं कि हमारे साथ ये भी शेयर करें कि बेबीज को कौन से फीडर यूज करते हैं, तो टॉमी टिपी का फीडर लिया हुआ है. आपके बेबीज को जो भी आप लगाना चाहे, सारे फीडर्स अच्छे होते हैं, जो भी आपकी रेंज में हो वो आप लगा सकते हैं. लेकिन बेबीज को वही वाला निप्पल जो हम फर्स्ट टाइम दे देते हैं ना, उसको वही चाहिए होता है, फिर वो वही कंपनी का लेता है. तो इसलिए स्टार्ट में ही आप वही लगाया करें जो आपकी रेंज में हो. कमिंग बैक टू द टॉपिक, 6 o'clock मैं उसको फुल 9 ounce का फीडर देती हूँ. उसको जितना दिल करता है ना वो पी लेता है, बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ. और जो मिल्क होता है, चाहे समर हो या विंटर हो, मैं हमेशा बेबीज को नीम गर्म करके मिल्क देती हूँ. फिर उसके बाद वो 9:30 उठता है या कभी कभी 10 o'clock उठता है मॉर्निंग में. फिर मैं उसको या तो 2 biscuits दे देती हूँ या फिर संदल, समर हो तो संदल दे सकते हैं. तो आजकल क्योंकि समर है तो मैं उनको संदल की ड्रिंक देती हूँ, मतलब 9:30 जब बेबी उठता है. कभी कभी संदल दे देती हूँ, कभी कभी 2 biscuits भी दे देती हूँ, ताकि जब बाकी सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ना, तो ईसा भी सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सब घर वाले 11 o'clock, तो तब तक ईसा का ना थोड़ा मतलब हो जाता है. कभी कभी मैं उसको 5 ounce फीडर भी दे देती हूँ और कभी कभी 2 biscuits वगैरह खिला देती हूँ, ताकि उसका तब तक ना टाइम निकल जाए. तो उसके बाद ईसा खेलता है सबके साथ. उसके दादा मोस्टली उठे होते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं, तो हम उसके दादा को पकड़ा के आ जाते हैं, दादा के साथ खेलता है. समटाइम्स उसके दादा उसको ना कोई फ्रूट भी खिला देते हैं, मतलब जैसे कि खुबानी है या आलू बुखारा है, तो वो उसको थोड़ी बहुत खिला देते हैं 1 or 2. तो फिर 11 o'clock या 11:30 पे वो ब्रेकफास्ट करते हैं. आजकल ईसा को चाय रस बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उसकी दादो मॉर्निंग में ज्यादातर चाय और रस खाती है, तो उनको देख देख के ना ईसा को भी आदत हो गया, वो उनसे मांगता है कि मुझे भी खिलाए, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया. तो आजकल ईसा रस खा रहा है चाय में. चाय आपने वो वाली नहीं देनी जो आपके घर में आप खुद पीते हैं या बड़े पीते हैं, आपने बेबी को बिल्कुल लाइट सी चुटकी सी इतनी सी पत्ती डाल के चाय बना के देनी है, दूध पत्ती. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. उठ गया मेरा बेटा, आजो 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 आजो. इधर आओ मामा पास, मामा पास, मामा पास. चलें जी, ये ईसा की चाय बन के रेडी हो गई है. वीडियो में आपको थोड़ा सा डार्क कलर नज़र आ रहा होगा चाय का, लेकिन ये बहुत ही लाइट कलर होता है. मतलब पत्ती इतनी डालती हूँ ना होने के बराबर, और शुगर की जगह मैं यूज़ करती हूँ शक्कर या फिर गुड़. तो इस तरह से जो क्वांटिटी है रस की वो ईसा पे डिपेंड करती है. कभी कभी वो 1 खा लेता है, कभी कभी वो 1.5 भी खा लेता है, और कभी कभी खाली हाफ खाता है. तो इस तरह से चाय रस का ब्रेकफास्ट करता है ईसा. कभी कभी मैं उसको ये करती हूँ कि ना ब्रेड का स्लाइस देसी घी में थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके, तो उसको भी चाय के अंदर डिप करके खिला देती हूँ. तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा डिप करते जाना है, बहुत ज़्यादा गर्म बेबी के मुंह में नहीं डालना, बिल्कुल सॉफ्ट कर लें रस को, और इस तरह से बेबी को खिलाना है. लेकिन ये नहीं है कि आप डेली बेबीज को चाय रस ही देते जाएं. इसके अलावा अगर आपका बेबी चाय रस पसंद नहीं करता, तो आप सिवैयां दे सकते हैं दूध में बनी हुई. मॉर्निंग में आप ब्रेड और योगर्ट को मिक्स करके खिला सकते हैं. उसके अलावा आप पराठा और योगर्ट को मिक्स करके खिला सकते हैं. ये सारी मैंने आपके साथ ईटिंग रूटीन में शेयर की हुई है कि किस तरह से बनानी है. उसके अलावा आप खाली ब्रेड वगैरह भी खिला सकते हैं, दलिया भी मॉर्निंग में खिला सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी दे सकते हैं. फिर उसके बाद जी सबको ब्रेकफास्ट करते करते तकरीबन हमें 1 o'clock हो जाता है,
फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ईसा खेलता रहता है, फिर उसको मैं 1:30 पे या कभी कभी 1 o'clock बाद देती हूँ। बाद दे के बेबीज एकदम से फ्रेश हो जाते हैं और वो फौरन से सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। और वैसे भी ईसा क्योंकि सुबह 9 o'clock या 10 o'clock का उठा होता है तो 1 o'clock या 1:30 तक उसको नींद आ जाती है। तो जैसे मैं उसको बाद देती हूँ, बाद देने के बाद मैं उसको फीडर दे देती हूँ, अगेन मैं उसको फीडर देती हूँ और उसका ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है कि उसने ब्रेकफास्ट कैसा किया हुआ और उसको कितनी भूख है, तो उसका जितना दिल करता है वो उतना फीडर पी लेता है। बेबी को बाद देने के लिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखा करें, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इससे क्या होता है, बेबी की स्किन का कलर ख़राब हो जाता है। और बाद के लिए मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी शैम्पू, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते और बेबीज़ की आइज़ में भी नहीं जाता। तो बाद लेने के बाद बेबी एकदम से रिलैक्स हो जाता है, डेली बाद दिया करें तो इससे क्या होता है, बेबी को एकदम से नींद आ जाती है, वो फीडर पिएगा और फौरन से सो जाएगा। और जब बेबी सो जाते हैं ना तो बेबी के ऊपर एक पतला सा ज़रूर ब्लैंकेट डाला करें, इससे क्या होता है बेबी को फील होता है कि उसके साथ कोई सोया हुआ है, वो कवर है। तो इससे क्या होता है बेबी ज़्यादा देर तक सोते हैं और वो बार बार आपको उठ के तंग नहीं करेंगे। फिर जी ईसा 2 hours की नैप लेता है, अगर वो 1 o'clock सोया है तो वो 3 o'clock उठ जाता है, कभी कभी 1.5 hours की भी लेता है, डिपेंड करता है कि बच्चे के पास अगर तो खामोशी हो, फुल ऑन स्लीपिंग एनवायरनमेंट बेबी को मिला हो तो वो ज़्यादा देर तक सोता रहता है। लेकिन अगर जैसे कि मेड आ जाती है, वो सफाई वगैरह कर रही है, कुछ कर रही है, ये थोड़ा सा शोर हुआ है तो बेबीज जल्दी भी उठ जाते हैं। फिर जब ईसा नैप लेके उठता है ना तो फिर मैं उसको टॉयज दे देती हूँ, टॉयज के साथ थोड़ी देर के लिए प्ले करता है, उसके बाद मैं उसको मैंगो शेक दे देती हूँ, मैंगो शेक पीता है। मैंगो शेक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, ये बेबीज़ का वेट भी गेन करता है और बेबीज़ का ब्लड भी इंक्रीज करता है, बच्चों को ब्लड की कमी नहीं हो पाती। और इसके अलावा बेबीज़ को हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रांग बनाता है। और अगर आप बेबी को दिन में एक दफ़ा मैंगो शेक पिला देते हैं ना तो इससे बेबी का पेट भी भरा रहता है, बेबी जल्दी कोई आपसे डाइट नहीं मांगेगा और ना ही आपको तंग करेगा और बेबी इसके साथ बहुत ही एक्टिव रहता है। और समटाइम्स होता है कि हाशिर को जैसे मैं कोई लंच वगैरह करवा रही हूँ उस टाइम पे, कोई राइस वगैरह दे रही हूँ, तो ईसा भी थोड़े बहुत उसके साथ खा लेता है। फिर उसके बाद खेलते हैं दोनों मिलके, और फिर जब 5 o'clock होते हैं ना तो 5 o'clock मैं दोनों को दोबारा सुला देती हूँ। मतलब हाशिर क्योंकि सुबह का उठा होता है तो उस टाइम तक हाशिर को भी नींद आ रही होती है और ईसा को फिर मैं उसके साथ दोबारा सुलाती हूँ। देन ईसा जो है वो 7 o'clock उठ जाता है, 2 घंटे की नैप अगेन लेता है। फिर उसके बाद मैं उसको साबूदाना देती हूँ। साबूदाना जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही बेस्ट है बेबीज के लिए, बेबी का चाहे फ्लू हुआ हो, उसका गला खराब हुआ हो, पेट खराब हुआ हो, साबूदाना हेल्प करता है, बेबीज की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और बेबीज का वेट भी गेन होता है, बेबी हेल्दी और एक्टिव रहता है। तो 7 o'clock मैं उसको साबूदाना खिलाती हूँ। फिर जी उसके बाद ईसा दोबारा से खेलता है अपनी दादों के साथ, फूफो के साथ, या हम उसको साइकिल पे बिठा देते हैं, इस तरह से उसको खिलाते हैं। फिर 9 o'clock तक उसके बाबा और चाचू आ जाते हैं, फिर हम सब डिनर करते हैं। डिनर के लिए वही सेम चीज़ जो घर में सालन बना होता है, मैं या तो उसको राइस के साथ दे देती हूँ या तो पराठे के साथ दे देती हूँ, आप सादा रोटी भी दे सकते हैं। तो जो घर में बना होता है, जो सब खाते हैं, वही ईसा माशाल्लाह सिखाता है। तो 9 o'clock या 9:30 तक हमारा डिनर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ईसा जो है, ईसा और हाशिर दोनों अपने चाचू के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, अपनी गाड़ी चलाने चल जाते हैं या कभी कभी वैसे घूमने चले जाते हैं। फिर उसके बाद जी जब बेबी घर आते हैं, 1 hour तक वो बाहर खेलते हैं। तो फिर उसके बाद जब बेबीज घर आते हैं, समटाइम्स 10:30 हो जाते हैं, तो उसके बाद आते ही बेबीज को पानी पिलाया जाता है और फिर उनका हाथ मुंह सब कुछ वॉश करके, फीट वगैरह वॉश करके, उनके मैं कपड़े चेंज करती हूँ और उन दोनों को 1-1 फीडर देती हूँ और दोनों सो जाते हैं। हाशिर थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन ईसा जो है वो क्योंकि थका होता है तो वो फौरन से फीडर लेता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। जब ईसा बाहर से घूम के आता है ना तो अगर उसको थोड़ी सी भूख लगी हो, मतलब उसने अगर 9 o'clock का डिनर किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है बेबीज थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो अगर वो आया है और उसको थोड़ी सी भूख लगी हो ना, तो मैं उसको फीडर देने से पहले या तो कभी कभी 1 or 2 बिस्किट्स दे देती हूँ या 1 or 2 डेट्स दे देती हूँ, ताकि उसको पेट भरा रहे और वो रात को अच्छे से सोया रहे। फिर उसको फीडर देती हूँ, फीडर अगेन उसको जितनी भूख होती है उतना वो पीता है और बाकी का वो छोड़ देता है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि समर है, बेबीज को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आपने बेबीज को बार बार पानी पिलाना है।
दिन में आपने बार बार, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा प्यास लगती है, हमारा दिल करता है कि हम बार बार पानी पिए, तो इसलिए आपने बेबीज को बार बार पानी पिलाना है ताकि वो फ्रेश रहेंगे और एक्टिव रहेंगे और आपको ज्यादा तंग भी नहीं करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी और आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।